3 दिनिया यूएई गस्तरे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह अवसर में आबुधाबीर कोडिंग स्कूल परिदर्शन कले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इनोभेशन और क्रिएटिविटी गंता घरे किभले शिक्षार मान वृद्धि प्रयास चली बुली देखिंट केन्द्रमंत्री टेक्नोलोजी परिपूर्ण भविष्य गढ़ा उपर गुरुत्व जारी रही पाठपढ़ा वर्षक 12 मास खोला रुता बेले एठार लर्णिंग प्रशिक्षण अर्णिंग एवं रोजगार फ्लेक्सिबिलिटी को गुरुत्व दिया जाउछे। यह अवसर में केन्द्रमंत्री कहते कि वेई और भारत मध्य उत्तम संपर्क रही है, विशेषकर शिक्षा एवं दक्षता क्षेत्र में दुई देश मध्य स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप रही। वेई भारत पक्ष IIT खोल जाइए, केवल एति नुहे देशर प्रमुख विश्वविद्यालय गुड़िक वेई से कैंपस खोली। CBSE रे रु अधिक स्कूल और देशर प्रमुख शिक्षा बोर्ड वेई में कार्य कर खूब शीघ्र वेई CBSE ऑफिस खोल केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यूएई भारत की संबंध आज बहुत ही अच्छे स्तर पे हैं। दोनों देश की लीडरशिप की एक अनोखा रिश्ते में आज हम लोग अपना इस रिश्ते को देखते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी कई इलाका में कई सेक्टर में हमारे काम हो रहा है, उसमें से एजुकेशन एंड स्किल यूएई की अर्थनैतिक विकास में भारत की एक गहरा संबंध है। भारत की मैन पावर, भारत की डिफरेंट लेवल ऑफ मैन पावर, मैनेजरियल लेवल से लेके कामकाजी लोगों तक कई प्रकार की संबंध भारत की कई सालों से हैं। आज उसको एक 21st सेंचुरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी संबंध बने, यही दौरे का एक प्रमुख लक्ष्य है। आज हम यूएई में IIT खोल रहे हैं, यूएई में कई सारे भारत की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी भी आ चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी कुछ यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। CBSE जो भारत की एक प्रमुख एजुकेशन बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, उसकी भी 100 से ज़्यादा स्कूल यूएई में ही चल रहा है। GCC में भी और ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। CBSE की एक ऑफिस भी यूएई में खोले, यह हमारी मिशन की बहुत दिनों से अपेक्षा था, उसको भी खोलने की हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई तक ले जाना, पिछले फरवरी में दोनों लीडर्स के उपस्थिति में विजन डॉक्यूमेंट बना था यूएई इंडिया रिलेशनशिप के, उसको धीरे धीरे इकोनॉमिक फ्रंट में, एजुकेशन फ्रंट में, स्किलिंग इकोसिस्टम पे, जैसे अभी कोप की मीटिंग हो रही है, कोप में भारत और यूएई बहुत इकट्ठा होकर ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसे सारे में हमारे संबंध आज अच्छे होने के कारण आज हम दोनों मिलके ना केवल दोनों देशों को मदद कर रहे हैं, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी को भी हम लोग मदद करने में इकट्ठा काम कर रहे हैं। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।